गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनीता शर्मा, योर इंग्लिश टीचर। यस, टुडे वी स्टार्ट नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स, व्हाट आर नेमिंग वर्ड्स? प्लेस, पर्सन और थिंग्स आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स। प्लेस, पर्सन और थिंग्स, place, person or things are called naming words. Read these sentences. Look at the words in color. इस sentence को हम लोग पढ़ेंगे और ये जो color में हमारा word लिखा हुआ है इसको भी पढ़ेंगे. What is that small things on Aman desk? Aman की desk में सबसे छोटी चीज कौन सी है? It's an eraser. क्या है? इरेजर है. सबसे छोटी चीज कौन सी है? इरेजर है. अब ये जो रेड कलर से यहाँ पे डेस्क और इरेजर लिखा हुआ है, यहाँ पे ये क्या है? ये हमारा नेमिंग वर्ड्स है. क्या है ये हमारा? ये डेस्क और इरेजर, ये हमारे क्या हैं? नेमिंग वर्ड्स हैं. क्या है ये हमारे? नेमिंग वर्ड्स. इनको क्या बोलते हैं हम? नेमिंग वर्ड्स. नेमिंग वर्ड्स आर प्लेस, पर्सन और थिंग्स आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स. प्लेस, पर्सन और थिंग्स आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड. द वर्ड्स डेस्क इज अ नेम फॉर समथिंग ऑन विच वी कैन राइट और रीड. डेस्क क्या है? एक वस्तु है जिस पर हम लिखते और पढ़ते हैं. एन इरेजर इज द नेम ऑफ समथिंग विद विच वी रब ऑफ व्हाट वी हैव रिटन. और इरेजर भी एक वस्तु है जो हमें पेंसिल से लिखा हुआ इरेज करने में, रब करने में हम उसको यूज करते हैं. डेस्क एंड इरेजर आर नेमिंग वर्ड्स. यहाँ पे डेस्क और इरेजर हमारा क्या है? नेमिंग वर्ड्स है. पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स. राइट द नेम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट यूजिंग द वर्ड्स इन द हेल्प बॉक्स. यहाँ पे कुछ वर्ड्स गिवन हैं और पहले हम इन वर्ड्स को पढ़ेंगे, फिर नीचे पिक्चर्स गिवन हैं. इन वर्ड्स पिक्चर को देख करके वहाँ पे उस वर्ड्स को राइट करना है. हम वर्ड्स पहले पढ़ेंगे. एफ ए एन फैन, बी यू एस बस, एम ए एन मैन, सी ओ डब्ल्यू काव, ए डबल पी एल ई एप्पल, एस एच ए आर पी ई एन ई आर शार्पनर, S-U-N sun, B-E-E-B, M-A-N-G-O mango, F-A-N fan pankha, B-U-S bus bus, M-A-N man aadmi, C-O-W cow guy, A-P-P-L-E apple shape, S-H-A-R-P-E-N-E-R sharpener. पेंसिल को छीलने के लिए हम इसको यूज करते हैं, शार्पनर. एस यू एन सन सूरज, बी डबल ई बी मक्खी, एम ए एन जी ओ मैंगो. मैंगो तो सबको पता है, आम. अब यहाँ पे हमारी पिक्चर बनी हुई है. इन पिक्चर्स को देख करके हम उसके नीचे वो नेम लिखेंगे. तो पहली पिक्चर हमारी क्या है? बस की. तो हम क्या लिखेंगे? बी यू एस बस. इसके नीचे यहाँ पे क्या लिखेंगे? बी यू एस बस. यहाँ पे क्या है? मैन. सेकंड पिक्चर में हमारे क्या है? मैन. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? मैन. और आप बहुत सुंदर सुंदर अच्छे से लिखिएगा. उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर हमारी क्या है? सन. सन की पिक्चर है ना हमारी. तो हम क्या लिख देंगे? सन, एस यू एन सन. इस तरह से हम सारी पिक्चर्स के नेम राइट करेंगे.
उसके बाद फिर क्या, कौन सी पिक्चर आती है हमारी, एप्पल, ए डबल पी एल ई एप्पल, बी डबल ई बी मक्खी, एफ एन फैन पंखा, और नेक्स्ट पिक्चर हमारी क्या आती है नीचे, सी ओ डब्ल्यू काव, एस एच ए आर पी ई एन ई आर शार्पनर, क्या आता है शार्पनर, हम इसको पेंसिल को छीलने के लिए यूज़ करते हैं, और एम एन जी ओ मैंगो, ये सब हम इस पिक्चर को देख करके वो हेल्प वर्ड्स की हेल्प से हम यहाँ पे इन सारे वर्ड्स को राइट करेंगे। आप भी अपनी बुक में इसको लिखेंगे और बुक फिल करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको बुक में लिखना है और बुक को फिल भी कर। मैच द वर्ड्स विद देयर पिक्चर्स, यहाँ पे वर्ड्स गिवन हैं और पिक्चर देख करके उन वर्ड्स को पिक्चर से मैच करना है। सबसे पहला वर्ड्स हमारा क्या है, चिल्ड्रेन, सी एच आई एल डी आर ई एन चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे। अभी बच्चे कहाँ पे हैं, उनसे आपको इसको मैच करना है, तो बच्चे ये रहे। अब क्या है, फैमिली, एफ ए एम आई एल वाई फैमिली, फैमिली मीन्स परिवार, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस मेक अ फैमिली, देखो पेरेंट्स हैं और बच्चे भी हैं ना, तो ये क्या है, एक फैमिली है, एफ ए एम आई एल वाई फैमिली, फैमिली मीन्स परिवार, पीपल लोग, अब लोग कहाँ पे खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं लोग, ये पी ई ओ पी एल ई पीपल, पीपल मीन्स लोग, पी ई ओ पी एल ई पीपल, पीपल मीन्स लोग, बी ओ आई बॉय, बॉय कहाँ है, ये बॉय से मैच कर देंगे इसको, बॉय मीन्स लड़का, गर्ल जी आई आर एल गर्ल, गर्ल कहाँ है, ये रही लड़की। और अब क्या है, मैन, एम ए एन मैन, मैन भाई मैन से मैच करिए इसको, ये रहा है। अब वुमैन औरत, मैन आदमी, वुमैन औरत, अब हम इनको फिर एक बार रिपीट करेंगे इन वर्ड्स को विद स्पेलिंग, सी एच आई एल डी आर ई एन चिल्ड्रेन, एफ ए एम आई एल वाई फैमिली, पी ई ओ पी एल ई पीपल, बी ओ आई बॉय, जी आई आर एल गर्ल, एम ए एन मैन, डब्ल्यू ओ एम ए एन वूमेन, और इनकी स्पेलिंग भी हमको लर्न होनी चाहिए, इन वर्ड्स की स्पेलिंग भी हमें लर्न होनी चाहिए, इसलिए हम इसको कई कई बार रिपीट करेंगे ताकि हमें ये स्पेलिंग्स भी लर्न हो जाएं। मैच द पिक्चर विद द राइट वर्ड नेम ऑफ थिंग्स, अब हमको यहाँ पे ये पिक्चर मैच करनी है राइट वर्ड के साथ, ये पिक्चर हमें मैच करनी है। पहली पिक्चर हमारी क्या है, ड्रम, सन बन, पहला वर्ड हमारा आता है सन, वर्ड से स्टार्ट करते हैं, पहला वर्ड कौन सा है, सन, एस यू एन सन, एस यू एन सन, सन मीन्स सूरज, अब हम इसको सूरज से मैच कर देंगे। अब सेकेंड वर्ड हमारा क्या है, ड्रम, डी आर यू एम ड्रम, अब हम इसे ड्रम से मैच कर देंगे। अब थर्ड वर्ड हमारा क्या है, विंडो, क्या है, विंडो, विंडो कहाँ बनी है, ये रही विंडो से मैच करेंगे।
और क्या है अब, पेंसिल, पेंसिल से मैच कर देंगे। और फिर क्या है, बोट, बोट से इसको मैच कर देंगे। अब हम सब की स्पेलिंग्स फिर से रिपीट करेंगे। S U N sun, D R U M drum, W I N D O W window, P E N C I L pencil, B O A T boat। इन स्पेलिंग्स को आप कई बार रिपीट करेंगे ताकि ये स्पेलिंग आपको लर्न हो जाए। S U N sun, sun means सूरज। D R U M drum, drum कहते हैं नगाड़ा को, बहुत बड़ा ढोल टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको बोलते हैं ड्रम। W I N D O W विंडो, खिड़की। P E N C I L पेंसिल। B O A T बोट मींस नाव। इन स्पेलिंग्स को हम कई कई बार रिपीट करेंगे, 2 or 3 times, ताकि हमें ये लर्न हो जाए अच्छे से स्पेलिंग और हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल ही ना आए। स्पेशल नेम्स एंड कॉमन नेम्स, अब हम रीड करेंगे स्पेशल और कॉमन नेम्स। रीड दीज सेंटेंसेस। दिस इज अमन, ही इज अ बॉय। दिस इज अ अमन, ही इज अ बॉय। यहाँ पे रेड कलर से अमन और बॉय लिखा है। अमन क्या है, किसी लड़के का नाम है, और बॉय क्या है, लड़का। अमन इज अ स्पेशल नेम एंड बॉय इज अ कॉमन नेम। अमन क्या है, स्पेशल नेम है, और बॉय कॉमन नेम। जैसे आपके क्लास में मैं आती हूँ और मैं बोलूँ बॉयज खड़े हो जाइए, तो सारे बॉयज खड़े हो जाएंगे। अगर मैं पर्टिकुलर किसी एक बच्चे का नाम लेती हूँ कि आप खड़े हो जाइए, तो सिर्फ एक बच्चा ही खड़ा होगा, क्योंकि वो उसका स्पेशल नाम है। वही बच्चा खड़ा होगा जिसका मैं नाम लूँगी, और बॉयज़ बोलूँगी तो सारे ही बच्चे खड़े हो जाएंगे। इसी तरह से नेम क्या है आपका, जो वो स्पेशल हो गया, और कॉमन में क्या आ गया, बॉय। बॉय कहने पे तो सभी लड़के खड़े हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे है, दिस इज अमन, ही इज़ अ बॉय। तो अमन क्या है, स्पेशल नेम है, और कॉमन नेम क्या है, बॉय। स्पेशल नेम कैन बी यूज फॉर ओनली वन पर्सन। स्पेशल नेम जो होता है वो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए ही यूज होता है। प्लेस और थिंग, किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक जगह के लिए, किसी एक वस्तु के लिए ही यूज होता है। स्पेशल नेम कैन बी यूज फॉर ओनली वन पर्सन, प्लेस और थिंग्स। स्पेशल नेम खाली एक व्यक्ति, जगह या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। दीज नेम्स ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, और ये नेम हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। इसको जब भी हम कभी लिखते हैं तो कैपिटल लेटर से लिखते हैं। आपको क्लास में भी हमेशा बताया जाता है कि कभी भी किसी भी का भी नाम लिखिए तो उसको हम किससे लिखेंगे, कैपिटल लेटर से। यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपके, राज, इंडिया और जिल। ये क्या है, ये सब स्पेशल नेम है। अब आता है कॉमन नेम। कॉमन नेम कैन बी यूज्ड फॉर मेनी पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स। कॉमन नेम हम किसके लिए यूज़ करते हैं, कई लोगों के लिए, कई जगहों के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए। दीज नेम डू नॉट स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। एग्जाम्पल है ट्री। जैसे मैं बोलूं कि ये ट्रीज हैं, तो साहब आप देखेंगे वहाँ पे कई ट्री हैं, पेड़ तो कई तरह के होते हैं, लेकिन मैं अगर बोलूं मैंगो ट्री तो वो स्पेशल नेम हो गया। मैंगो क्या है, यहाँ मैंगो ट्रीज में भी क्या है, ट्रीज तो कई हैं, लेकिन अगर मैं बोलूँ मैंगो का ही पेड़ दिखाओ तो आप, वो स्पेशल हो गया। और ट्री क्या है, कॉमन है। ट्री अगर मैं बोलूँगी तो आप कोई भी पेड़ दिखा सकते हैं हमें। बुक
कि अगर मैं बोलूँ बुक निकालिए तो आप कई बुक निकाल के रख सकते हैं हमारे सामने, लेकिन मैं बोलूँ पर्टिकुलर इंग्लिश की बुक निकालिए तो क्या हो गया, वो आपकी इंग्लिश स्पेशल हो गई। और बुक क्या है, कॉमन। फ्लावर, मैं बोलूँ फ्लावर लेके आइएगा कल, तो आप कोई भी फ्लावर लेके आ सकते हैं, तो वो क्या है हमारा, कॉमन नेम। और अगर मैं बोलूँ कि आपको सनफ्लावर ही लाना है, तो आप सन क्या हो गया, सनफ्लावर स्पेशल नेम हो गया। इस तरह से कॉमन नेम कैन बी यूज फॉर मेनी पर्संस, और कॉमन नेम जो है बहुत सारे लोगों के लिए यूज़ करते हैं, और जगहों के लिए और वस्तु के लिए यूज़ करते हैं, और इन वर्ड्स को हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करते हैं। सर्कल द स्पेशल नेम वन हैज़ बीन डन फॉर यू, ये आपके बुक में है, ये आप जो है इसको सर्कल करेंगे, यहाँ पे दिया है। फर्स्ट तो आपका डन है, अब हम लोग सेकंड करते हैं, यहाँ पे है अन्ना फ्रॉग प्लेन और टीचर, तो यहाँ पे आपका क्या है, अन्ना आपका स्पेशल नेम है। और यह आपका सन बस बैग दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली आपका क्या है, स्पेशल नेम। क्वीन फैन ताजमहल हॉलीडे, यहाँ पे आपका क्या है, ताजमहल आपका स्पेशल नेम। टॉय स्टोरी वॉच और सैम में सैम नाम है तो स्पेशल है। अन्ना फ्रॉग प्लेन टीचर, यहाँ पे आपका अन्ना है आपका स्पेशल नेम। सन बस बैग डेली, डेली भी नेम है ना, तो यहाँ पे डेली जो है स्पेशल नेम है। क्वीन फैन ताजमहल और हॉलीडे, ताजमहल स्पेशल नेम है। Write it. Complete the story with the words given below. The picture will help you. यहाँ पे हमें एक स्टोरी कंप्लीट करनी है, वर्ड्स आर गिवन हियर, और यहाँ पे पिक्चर भी बनी हुई है, उसकी हेल्प से हमें ये पूरी स्टोरी कंप्लीट करनी है। पहले हम वर्ड्स पर रीड करेंगे, क्या है पहला वर्ड हमारा, कैटरपिलर। विद स्पेलिंग्स इन वर्ड्स को आप रीड करिएगा 2 or 3 times ताकि इसकी स्पेलिंग्स आपको अच्छे से लर्न हो जाएं और आप स्पेलिंग्स खुद से लिख पाएं और आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स ज़्यादा ना आएं। इसलिए स्पेलिंग्स पे आप स्पेशल अपना टेंशन पेड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्पेलिंग्स आपको लर्न करनी है। कैटरपिलर, CATER, कैटर PILLAR, कैटरपिलर। कैटरपिलर जो है, जो बटरफ्लाई होती है उसके छोटा, जब बटरफ्लाई छोटा होता है, बच्चा होता है, जब बटरफ्लाई नहीं बना रहता है, उसको बोलते हैं कैटरपिलर। अभी आपकी फ़ोटो में आएगा, आप देखिएगा कैसा होता है कैटरपिलर। हिंदी में उसको बोलते हैं प्यूपा। डेजी, DAISY, डेजी। डेजी एक फ्लावर है जिसे सदाबहार का फूल भी कहते हैं। BIRDS, बर्ड्स, चिड़िया। ROSE, रोज, गुलाब। DEER, डियर, हिरन। RABBIT, रैबिट, खरगोश। ट्रीज, TREES, ट्रीज, पेड़। BUTTERFLY, बटरफ्लाई। JAR, जार। LEAVES, लीव्स, पत्तियाँ। इसको विद स्पेलिंग 2 or 3 times ज़रूर रीड करना है। कैटरपिलर, डेजी, बर्ड्स, रोज, डियर, रैबिट, ट्रीज, बटरफ्लाई, जार और लीव्स। अब हम इन वर्ड्स की हेल्प से अब हम ये स्टोरी कंप्लीट करेंगे।
Miss Anna took her student to a beautiful park. Miss Anna अपने स्टूडेंट्स को लेकर के कहाँ गई हैं? एक पार्क में गई हैं. दे सॉ अ, कौन सी पिक्चर बनी है यहाँ पे? यस डियर. दे सॉ अ डियर, डी डब्ल्यू आर डियर, एंड अ, कौन सी पिक्चर है? रैबिट की, आर ए डबल बी आई टी, रैबिट. They saw a deer and a rabbit. The, ये क्या चीज बना है यहाँ पे आपका? ये आपकी बर्ड है. यहाँ पे क्या है? ये बर्ड, बर्ड बनी है ना. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? The bird crept in the, ये क्या बना है? ट्री. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? द बर्ड, बी आई आर डी, बर्ड crept in the ट्री, टी आर डबल ई, ट्री. रीता picked up a, क्या है ये? फ्लावर. क्या है? फ्लावर. स्पेलिंग लिखेंगे एफ एल ओ डब्ल्यू ब्लू ई आर. रीता ने क्या तोड़ा? एक फूल. अली पिक्ड अप अ रेड रोज. रोज बना है ना यहाँ पे, देखिए आपका, ये देखिए यहाँ पे ये रोज बना है, यहाँ पे ये फ्लावर बना है. तो ये यहाँ पे हमें लिखना है. स्पेलिंग जरूर लर्न करिएगा. जैन पिक्ड अप सम, ये क्या बना है? पत्तियां बनी है ना. तो उसने क्या तोड़ा? सम लीव्स, एल ई ए वी ई एस, लीव्स. जैन पिक्ड अप सम लीव्स, एल ई ए वी ई एस, लीव्स. एनी पिक्ड अप अ कैटरपिलर, ये क्या है हमारा? ये कैटरपिलर है. देखो यही कैटरपिलर बड़ा हो करके ना ये बटरफ्लाई बन जाता है. देख रहे हैं ना, ये कैटरपिलर बड़ा होके क्या बन जाएगा? बटरफ्लाई. एमी पिक्ड अप अ कैटरपिलर, शी कैप्ट द कैटरपिलर इन अ जार. उसने क्या किया? इस कैटरपिलर को जार में रख दिया. द कैटरपिलर सून टर्न इंटू आ, ये क्या बनी है? बटरफ्लाई. तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? बटरफ्लाई, बी यू डबल टी ई आर एफ एल वाई, बटरफ्लाई. ये कैटरपिलर बड़ा होके क्या बन गया? बटरफ्लाई. एंड फ्लू अवे, और बड़ा होके बटरफ्लाई बनने के बाद उड़ गया. आपकी स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई. आपको सारी स्पेलिंग ज़रूर लर्न करनी है और पूरी स्टोरी ये राइट करिएगा अपनी बुक में, बुक फिल करिएगा अच्छे से. और आपका वर्क बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए. कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम डालिएगा सबसे पहले, और उसके बाद स्टार्ट करिएगा वर्क बहुत नीट एंड क्लीन. स्पेलिंग मिस्टेक अवॉइड करिएगा. स्पेलिंग मिस्टेक्स आपकी बहुत ज़्यादा आती हैं, उसको बहुत ध्यान दीजिएगा. बुक में से देख के लिखेंगे तो स्पेलिंग मिस्टेक्स आपकी कम आएगी. और मैं पीडीएफ भी भेजूंगी आपके लिए, और ये पूरा बुक भी फिल करके उसकी फ़ोटो मैं क्लिक करके भेजूंगी. आप पहले जो है वीडियो देखने के बाद उसको फिल करिएगा खुद से, फिर मैं फिल करके बुक भेजूंगी, तो उसको मैच भी करिएगा ताकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह ज़्यादा ना आए.